So what is up guys, welcome back to my channel RSHFM Fam. And पहले तो कल की क्लिप देखो जहाँ पे मम्मी फर्स्ट टाइम अपना ऑफिस लेके गए थे, लाइक उसी चीज को देखने के लिए ये गाड़ी लेके दी थी मैंने स्पेशली, क्योंकि मम्मी को SUV का बहुत शौक था, उनका ड्रीम था, वो मेरे को बोलते रहते थे पोज हो गए क्या हो ओले 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 चलो अभी 9 बजे उठा हूँ यार सिर्फ ये देखने के लिए नेता बाय बाय यस सर Finally did it. मम्मी को भी ऐसी खुशी हो रही होगी जैसे कॉलेज में बच्चों को नहीं देते गाड़ी, यहाँ फर्स्ट टाइम लेके जाऊंगा. Finally वो सीन भी मैंने देख लिया एंड एंड आज गाड़ी घर पे ही है, वो कल की क्लिप एक्चुअली, एंड गाड़ी आज घर पे ही है क्योंकि नंबर लगवा के ले आना है, नंबर प्लेट लगवा के लानी है, एसेसरीज काफ़ी बाकी है वो लगवा के लानी है, एंड पीछे वाला कैमरा भी सेट करना है वो लगवा के लाना है, काफ़ी काम है. सो यस, उससे पहले मैं जा रहा हूँ, सो यस नहीं बोलना यार, सो उससे पहले जा रहा हूँ मैं चिकन लेने, 2 बजे जाऊँगा उधर, राहुल को उठाऊंगा, फिर चलते हैं महिंद्रा के शोरूम. ओह काम ही काम. एक खुशी याद आई एंड एक नंबर लगवा के मैं मोहाली भी लेके गया था नानू का रिएक्शन लेने, एंड वो मेरा फेवरेट रिएक्शन है, रुको अगली क्लिप लो, वर्टिकल में है देखो. मुबारका ओए किसी और नहीं हो गया. हाँ मुबारका जी मुबारका. या यार क्यूट रिएक्शन यार, ऊपर ही खड़के रोला डालने लगे. तो चलो चलते हैं चिकन. काफी अलग सा कलर था. तो है मैंने काफी सामान लगाया, मेरे साथ में 200 रुपए का परफ्यूम फ्री मिला. तो ये लगाया हमने एंड द स्टार एंड कुछ है नंबर प्लेट के साइड वाला प्रोटेक्टर एंड दैट्स इट. 2 घंटे लग गया, बोलने का मन नहीं कर रहा. जय हिंद. ओके सो फाइनली होम एंड अभी मैंने सुबह अपनी एक मील खा ली थी, दूसरी भी खा ली थी, तीसरी मील का टाइम है विच इज चिकन चावल एंड ऑफ कोर्स ग्रीन टी. यहाँ रोपड़ में इतनी कमी है ना चिकन की कि कल परसों मेरे को मिला नहीं था उसी टाइम, तभी मेरी चीट मील हो रही थी क्योंकि चिकन ही नहीं मिल रहा था, डाइट में वो है. तो आज मेरे को मिला, मैं सीधा 2 किलो उठा लाया, मेरा 3-4 दिन का शॉर्ट है अब. एंड काफी लोग पूछते रहते हैं आपकी रेसिपी की, मैं इतनी बार शेयर कर चुका हूँ, आप ऊपर लिंक आया होगा उसमें मैंने अपनी मील का रेसिपी बताया था 1 साल पहले, वही मील है अभी भी, तो ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हो कैसे मैं चिकन को मैरिनेट करके इधर ही ऐसे रोस्ट करता हूँ, मतलब फ्राई पैन पे ही बनाता हूँ. नथिंग स्पेशल, बस ऑयल कम लगाना है, ऑयल जो यूज़ करना है वो ऑलिव ऑयल यूज़ करना है, नॉट बाकी ऑयल. याशी और मैंने ट्रेनर को बोला, क्योंकि मैं उसे सच सच बता देता हूँ कि भाई 3 दिन बिल्कुल डाइट नहीं हुई एंड मेरे को बॉडी में भी पता चल रहा है फैट आ रहा है, एब्स पे जो एब्स आ रहे थे वो भी गायब हो रहे थे. सो उन्होंने मेरे को सीधा बोला ब्रो कि अभी वापस ट्रैक पे आ जा, 3 दिन चीट मील की है तो 3 दिन लगेंगे उसे रिकवर करने में, बट डोंट वरी. वो लास्ट वर्ड सुन के मेरे को थोड़ा रिलीफ मिला है, डोंट वरी. ट्रेनर को मैं बता देता हूँ सच, अगर नहीं बताओगे तो
क्या ही फायदा झूठ बोलने से, आपकी खुद की नहीं बॉडी बनेगी एंड ब्लेम हम ट्रेनर को करेंगे कि आपने प्लान अच्छा नहीं किया था, जबकि हम खुद ही चीट कर रहे हैं बिना बताए, बिना एडवाइस लिए कि उसका रिप्लेसमेंट या उसे रिकवर कैसे करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको चीज़ सिखा रहा है उसके साथ धोखा नहीं, तभी आपका कुछ बनेगा। ओके मैं बनाने लगा हूँ चिकन, सीधा मिलते हैं बनाने के बाद। एंड कल की वीडियो जो ट्रेंड कर रही थी, पहले तो मेरे को मैसेज आया कि 43 पे ट्रेंडिंग कर रही है, मैंने फटाफट जाके चेक किया, मजा आ गया देख के, क्योंकि इतनी देर बाद आई थिंक एक महीने बाद वीडियो डाली थी मैंने कोई, एंड मेरे लिए पर्सनली वो वीडियो बहुत बड़ी है और मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं तो आगे जाके भी आगे 10-20 साल में ये वीडियो को देख के खुश होता रहूंगा। एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद 5-6 घंटे बाद देखा मैं, ब्रो ट्रेंडिंग ऑन 22 मजा आ गया। और थैंक यू गाइस, पहले मेरे को लगा अगर व्यूज बहुत ज्यादा हो तभी ट्रेंडिंग पे आती है या बहुत, बट ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता कैसे आती है, मतलब अगर लोग पूरी वीडियो देखे एंड उनको मजा आ रहा है, वॉच टाइम अच्छा हो, मे बी डैट्स व्हाई। थैंक यू जितने लोगों ने भी देखी, जितने भी प्यारे प्यारे कमेंट्स किए सब ने, थैंक यू सो मच। एंड आई नो कि मेरी ग्रीन टी बन गई है, एंड आई नो आप लोग भी कर सकते हो, यू कैन डू इट। सबके इतने की मेरी भी यही विश है, मैं भी ये करना चाहती हूँ, मैं भी ये करना चाहता हूँ, आप लोग कर पाओगे, करोगे 100% करोगे भाई। गलत चीजें छोड़ दो, सब सही चीजें होएगी आपके साथ, कर्मा बिलीवर। मैंने स्नैपचैट भी बताया था गाइस, ग्रीन टी वो अच्छी होती है जिसके यहाँ पे स्टेपलर नहीं लगा होता और यहाँ पे स्टेपलर नहीं लगा होता। जल्दी से आगे अपनी ग्रीन टी चेक करो एंड कमेंट करो, अगर स्टेपलर लगा तो नॉट गुड, क्योंकि वही गरम गरम पानी में आप डाल रहे हो एंड वो स्टेपलर का जो निकलता है जो भी गरम पानी के साथ मिक्स होगा, नॉट गुड, नॉट गुड फॉर हेल्थ। Cheers. अभी थोड़ी देर मैरिनेट हो रहा है मेरा चिकन, तब तक आई विल हैव माई 200 ग्राम राइस, वाइट राइस एंड ग्रीन टी। इसके बाद सोच रहा हूँ पहले जिम जाता हूँ, बाद में चिकन खाता हूँ, क्योंकि जिम का टाइम हो गया, पूरा दिन इतना 4-5 घंटे उधर लग गए महिंद्रा के उधर, तो डेट्स अभी अगर चिकन भी खा लिया तो मैं 2 घंटे और नहीं जिम जा पाऊंगा, क्योंकि चिकन भी 200 ग्राम खाना है एंड उसके बाद फिर पेट में ब्लोटिंग होगी। सो इट्स बेटर चावल खा के ग्रीन टी पी के आधे घंटे में मैं जिम जा रहा हूँ, उसके बाद आके मैं चिकन फटाफट खा सकता हूँ, क्योंकि फिर बहुत भूख लगी होती है। तो ये है मेरा अभी का प्लान। बॉडी शेप में आना तो स्टार्ट हो गया है, बट आज वेट कुछ नहीं उठाया जा रहा, बट यू कैन सी एब्स, चेस्ट की शेप, डन विद माई जिम। बहुत ज़्यादा बे हाँ लाइट कहाँ गई, वेट हाँ चुप करेगा। सो डन विद माई जिम एंड बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, डाइट वूट ज़्यादा हुई नहीं थी क्योंकि क्या हुआ था, बट सिर्फ एक एक्सरसाइज छोड़ी है मैंने क्योंकि पूरा एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी। मैं फटाफट जाऊँगा घर, लूँगा प्रोटीन एंड क्या है प्रोटीन और चिकन, चलो। यहाँ बना रहा हूँ चिकन एंड प्रोटीन शेक पीने वाला हूँ, एंड मेरे को ऐसा कुछ नहीं होता जैसे मुंबई में सब कुछ बना बनाया मिलता है एंड घर आके मेरे को अपना चिकन वगैरह बनाना पड़ता है, तो बंदे को हर जगह कंफर्टेबल रहना चाहिए, खुद बनाना भी आना चाहिए, अगर खाना आता है तो बनाना भी आना चाहिए। वाओ अभी मैं हवेली जाके आया एंड अभी आते आते मेरे को याद आया, भाई तू आज व्लॉग कर रहा था, मैं भूल ही गया व्लॉग करना, हवेली में मैंने व्लॉग ही नहीं किया। अभी रौनक को मैंने बोला, मैं कहा ब्रो चल यार बहुत बोर हो रहा है, जिम के बाद जिम जल्दी चलेगा था तो जल्दी फ्री हो गया था, मैं कहा यार चलो हवेली तो चलेगी और व्लॉग क्यों नहीं किया, अभी व्लॉग करने की आदत नहीं है, सो मैं शायद भूल गया था। बट यस बैक होम, अभी आई विल हैव माई चिकन बनाऊंगा, नहीं यार लाइट वाला नहीं यार, एंड इतना प्रॉब्लम हो रहा है, पहले मैं ऑटोमेटिक चला रहा हूँ ब्रेक पे एंड उस पर सिर्फ 2 चीज़ों को लाइक पैर से करना होता है, ब्रेक एंड स्पीड, इधर क्या
मैनुअल में चाबी लगा रहा हूँ जबकि ये पुश स्टार्ट है, इसमें चाबी लगा रहा हूँ, इसमें ब्रेक डाल के ब्रेक मारी जा रहा हूँ फालतू की। इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ ना पूरे दिन में मैं। बट मुश्किल है, आदत पड़ जाएगी। एंड या एंड एक और चीज कि मैं मुंबई पहले सोच रहा था अभी चल जाऊँ, बट अभी एक फ्रेंड की शादी आ रही है नवंबर में है, 11 और 13 को इवेंट है, उधर जाऊँगा। सो मैंने सोचा क्यों मुंबई जाना फालतू में, अगर मैं मुंबई गया फिर से वापस आया एंड फिर से जाना पड़ेगा, मेरा अप डाउन करके 30,000 वेस्ट हो जाएंगे। एंड मैं क्या नहीं यार, सो अभी लेट ही जाऊँगा मुंबई, मिड जाऊँगा, 15 या 16 नवंबर तक मुंबई जाऊँगा, तब तक घर पे ही हूँ। सो यस, आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर घर वाले व्लॉग्स? क्योंकि अल्टरनेटिव डे पे बनाता रहूँगा, कुछ ना कुछ बनाता रहूँगा, क्योंकि इधर ऐसे बैठे रहता मज़ा नहीं आता। सो व्लॉग बनाता रहूँगा, डाइट बताता रहूँगा, जो भी होता होगा दिखाता रहूँगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोच रहा हूँ Q&A वेडनेसडे टाइप्स वीडियो बना दूँ, नॉट ऑन वेडनेसडे बट Q&A वीडियो, उसकी मैं शॉर्ट डाल दूंगा, उसके अंडर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कुछ भी क्वेश्चन जो मेरे एक्सपीरियंस, अगर मेरे एक्सपीरियंस के अंडर होगा तो मैं आंसर बता दूंगा। मतलब ऑफकोर्स आपको एक शॉर्टकट मिल जाएगा चीज करने का, जो भी जो मैंने एक्सपीरियंस किया हो मैं सीधा बता देता हूँ, चाहे लंबी वीडियो हो बट पूरा अच्छी तरह एक्सप्लेन करने में बहुत मजा आता है ब्रो, दिल की बात बताने का बहुत मजा आता है। सो अगर वो भी चाहते हो मैं करूँ, कमेंट्स में बताओ, करेंगे। ओके बाय।